इन दिनों देशभर से भगवान शिव के भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। एक महीने से भी कम समय में 5 लाख से अधिक भक्त बाबा के दर्शन कर भी चुके हैं। रोजाना केदार नगरी में 15,000 से अधिक भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने की तैयारी करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबर है कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करने वालों को अब यात्रा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वह इसलिए क्योंकि इस वक्त हेलीकॉप्टर की सवारी के लिए लोगों को काउंटर से 2-3 दिन के बाद टिकट मिल रहे हैं। चालित हेली सेवा के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल विकास निगम को दी गई है, जिसके तहत 30 जून तक की ऑनलाइन बुकिंग भी फुल हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 70% ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे में जो लोग ऑफलाइन बुकिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ही ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 6 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टरों ने केदारनाथ के अब तक 8,873 चक्कर लगाए हैं और 50,000 के करीब यात्रियों को बाबा के दर्शन भी कराए हैं। साथ ही ये हेलीकॉप्टर 48,454 लोगों को केदारनाथ से वापस भी लाया है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ऑफलाइन हेली सेवा के लिए टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो रहा है। अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर के जरिए करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। उत्तराखंड तक की रिपोर्ट।